उज्जैन जिले की सभी तहसील उज्जैन शहरी, उज्जैन ग्रामीण, उज्जैन कोठी, महल, खटिया, तराना, मागडोन, महितपुर, झालडा, बड़नगर, खाचरोद व नागदा में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए खाचरोद विकास खंड के सभी अधिकारियों की आज बैठक बुलाई गई। साथ निर्वाचन क्षेत्र के नोडल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा भी SDM कुमार ने की। प्रथम दौर की बैठक में खाचरोद SDM पुरुषोत्तम कुमार, नागदा SDM आशुतोष गोस्वामी, CSP मनोज रत्नाकर, SDOP पुष्पा प्रजापति, थाना नागदा खाचरोद उनेल, भाट पश्ताना के थाना प्रभारी व सभी कार्यपालन मजिस्ट्रेट बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में विशेष रूप से लायन ऑर्डर पालन करवाने की बात कही गई। जितने भी संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, उनका भ्रमण करें और वहां के शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने की सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान प्रभावित करने वाले अपराधियों पर नजर रखने, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी दौर की बैठक में नोडल अधिकारियों की समीक्षा में SDM कुमार के साथ नागदा SDM आशुतोष गोस्वामी, CEO जिम्मी बाहेती भी उपस्थित रहे। टीम भारती न्यूज। सर, चुनाव को लेकर विशेष बैठक आयोजित की गई, क्या उद्देश्य लेकर चल रहा हूँ, किस तरह से चुनाव संपन्न होंगे? देखिए, आज आगामी पंचायत निर्वाचन को लेकर जितने नोडल अधिकारी हमने बनाए थे, उन सभी की आज मीटिंग ली है। सभी के द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है, उसकी समीक्षा की और आगे क्या क्या समय अवधि में कार्य पूर्ण किए जाना है, ये सबको लक्ष्य दिया और सबको मार्गदर्शन दिया है। सभी काम निर्वाचन में सारे काम समय अवधि में पूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए सभी को आज गाइडेंस दिया गया है। इसके अलावा सुबह खाचरोद ब्लॉक के अंतर्गत जितने थाने आते हैं, सभी थाना प्रभारियों, CSP नागदा, SDOP खाचरोद, SDM नागदा और हमारे सभी जितने कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, सभी की संयुक्त मीटिंग की गई और लॉ एंड ऑर्डर विषय पर सबसे चर्चा की गई। मतदान केंद्रों का संयुक्त रूप से भ्रमण करने के निर्देश दिए हैं और सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिस तरह से जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, उनके लिए क्या विशेष सुरक्षा व्यवस्था है? देखिए, जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, वहाँ पे हमारी पुलिस और कार्यपालिक दंडाधिकारियों की टीम रहेगी, संयुक्त रूप से भ्रमण करेंगे और इसके अलावा पुलिस बल को हर एक मतदान केंद्र पर रखा ही जाएगा। Subscribe now to most exciting channel ever.